कल्पित माध्य मानने के बाद अपन यहाँ डी आई ज्ञात करते हैं, और डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस में ए। डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। एक्स आई का पहला मान 800, ए का मान है 900। यहाँ 800 एक्स आई का मान और ए का मान 900, तो माइनस का कितना बचा आपके पास 100 बचे। यहाँ 820 एक्स आई का मान वो 900 है, घटाएंगे तो माइनस के कितने आएंगे 80। 860 वो 900, यहाँ 860 इसमें से 900 घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा 40। 900 में से 900 गए तो 0, 920 में से 900 जाएगा तो आपके पास बचेंगे 20। ये एक्स आई का मान 980, ए का मान 900, घटाएंगे कितना बचेगा 80, घटाएंगे कितना बचेगा 100। उसके बाद अपन इस एफ आई को डी आई के साथ गुणा करते हैं। एफ आई किससे गुणा करते हैं? डी आई से। ये एफ आई को डी आई से गुणा करेंगे। 100 को 7 से गुणा किया तो यह हो जाएगा माइनस का 700। 14 112 माइनस का 1120। 1976 माइनस का 760। 25 को 0 से गुणा किया 0। 20 को 20 से गुणा किया 400। 80 को 10 से गुणा किया 800। 100 को 5 से गुणा किया 500। अब क्या करते हैं, हम इस प्लस प्लस संख्या का योग करते हैं। यहाँ आपके पास आ जाएगा कितना, 8 5 13, 13 17 1700। ये 1700 आ जाएंगे। इधर इनका योग करते हैं, 11 7 18 और 7 25, 2500। माइनस माइनस संख्या का योग किया तो यहाँ आ जाएगा माइनस के 2580। नीचे यहाँ सिग्मा एफ आई डी आई बराबर माइनस के 2580 प्लस के 1700, घटाएंगे तो माइनस के 880 आ जाएगी। सिग्मा एफ आई बराबर यहाँ लिख देते हैं 100। कल्पित विधि से माध्य पूछेंगे, कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करेंगे। यहाँ हो गए माइनस के 2580। सबसे पहले इस विचार बारंबारता आपके पास है, कल्पित माध्य मानो। कल्पित माध्य कैसे मानेंगे, जो सबसे बड़ी बारंबारता तो उसके सामने एक्स आई का मान होता है कल्पित माध्य कहलाता है, जिसे ए से दर्शाते हैं बराबर 200। फिर यहाँ डी आई बराबर होता है एक्स आई माइनस ए। डी आई बराबर क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। एक्स आई की प्रत्येक संख्या में से एक को घटाते हैं तो यहाँ 800 में से 900 घटाएंगे तो माइनस 100, माइनस का 80, माइनस का 40 0, फिर 20, फिर 80 और फिर 100। फिर माइनस माइनस संख्या का योग करते हैं, प्लस प्लस की संख्या का योग करते हैं। सिग्मा एफ आई डी आई बराबर माइनस के 2580 और प्लस के 1700, घटाएंगे तो माइनस के 880। यहाँ सिग्मा एफ आई बराबर यहाँ हो जाएगा 100। कल्पित विधि से माध्य का सूत्र लगाएंगे तो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा सिग्मा एफ आई। एक्स बार बराबर ए का जो मान है वो आपका 900 माइनस सिग्मा एफ आई डी आई का मान 880 बटे सिग्मा एफ आई का मान होता है 100। 0 से ऊपर दे एक्स बराबर 900, यहाँ 8 से 10 का भाग देंगे तो 8.8। एक्स बार बराबर 900 में से 8.8 घटाएंगे तो 851.2। यही आपके आंसर है। इस तरीके से कल के चलिए मान देंगे 17.4 के टोटल प्रश्न इसी प्रकार से हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा 500 प्रश्न, इसके बाद 500 क्वेश्चन आप देखिए। जो अपना क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें क्या है, इसमें तो दो विचार दे रखे थे, और क्वेश्चन नंबर जो 5 है आपको, ये क्वेश्चन नंबर 5 इसमें आपको वर्ग अंतराल दे रखा है और बारंबारता दे रखी, उसमें ऐसे विचार और बारंबारता दे रखी थी, इसे वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी। यहाँ देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। बारंबारता में यहाँ लिखेंगे 6 10 13 7 4। कल्पित विधि से जब अपन माध्य ज्ञात करेंगे और वर्णांतरण बारंबारता के प्रश्न में दिया गया है, तो सबसे पहले हम मध्यमान ज्ञात करते हैं जिसको एक्स आई कहते हैं। ये मध्यमान कैसे ज्ञात करेंगे, प्रत्येक वर्णांतरण को जोड़ते हैं, प्रत्येक संख्या में 2 का भाग देते हैं।
10 को जोड़ो 10, 10 में 2 का भाग दिए 5, 10 20 को जोड़ो 30, 2 का भाग दिए 15, 20 30 को जोड़ो 50, 2 का भाग दिए 25, 30 40 को जोड़ो 70, 2 का भाग दिए 35, 40 50 को जोड़ो 90, 2 का भाग दिए 45। उसके बाद मध्यमान निकालने के बाद हम सबसे बड़ी वर्णमाला देखते हैं। देखो सबसे बड़ी वर्णमाला क्या बेटा, यहाँ 13। इसके सामने जो एक्स आई का मान होता है उसको कल्पित मानते कहते हैं, जिसे ए से दर्शाते हैं। तो ए बराबर यहाँ लिख लेते हैं 25। उसके बाद कल्पित माध्य मानने के बाद यहाँ कोलम बनाते हैं, डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए। यानी जब डी आई का मतलब होता है डेविएशन विचलन, मतलब एक्स विचर के प्रत्येक संख्या में कल्पित माध्य को घटाते हैं, घटाने पर हमारे पास संख्या नेगेटिव भी आती है और पॉजिटिव भी आती है। अब देखो एक्स आई का पहला मान क्या है, एक्स आई का पहला मान 5 और एक का मान आपका 25, तो माइनस का कितना आ गया 20। एक्स आई का ये मान कितना है 15, दूसरा मान ये 15, 15 में से 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका माइनस का 10, 25 में से 25 गया तो 0। एक्स आई का मान 35, एक का मान 25 घटाएंगे तो आपके पास कितना आया 10, 45 में से 25 घटाएंगे कितना बचेगा आपके पास 20। उसके बाद इस एफ आई को डी आई के साथ गुणा करते हैं, एफ आई को किसके साथ गुणा करते हैं डी आई के साथ, एफ आई को किससे गुणा करते हैं डी आई से। तो 6 गुणी 12 माइनस के 120 हो जाएंगे, 10 10 कितने होते हैं 100, माइनस कितने हो जाएंगे 100, 13 को 0 से गुणा करके क्या आ जाएगा 0, 7 को 10 से गुणा करके क्या आ जाएगा 70, 20 को 4 से गुणा करके क्या आ जाएगा 80। यह माइनस माइनस संख्या भी योग करते हैं तो यहाँ बनेगा माइनस कितना 220, प्लस प्लस की संख्या भी योग करते हैं तो प्लस का कितना आया 150। इसके बाद बड़ा यहाँ लिखते हैं सिग्मा एफ आई बी आई बराबर माइनस के 220 और प्लस का कितना है 150। बढ़ जाएंगे असमान चिन्ह संख्या, माइनस का कितना बचा आपका 70, सिग्मा एफ आई का जो मान है वो कितना है 40। कल्पित विधि से मानने का सूत्र क्या लगाएंगे, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे सिग्मा एफ आई। एक्स बार बराबर ए का जो मान कितना है 25, सिग्मा एफ आई डी आई का जो मान है वो नेगेटिव है इसलिए हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं, और यहाँ 70 बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना है 40। 0 से 0 कट जाएगा और 7 में 4 का भाग देंगे तो 1 पॉइंट जीतता। एक्स बार बराबर 25 में से 1.75 घटाएंगे तो 23.25 हो जाएगा। इस तरीके से हम कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करते हैं। 17.4 बेटा पूरी इस प्रकार से आप उनके टोटल प्रश्न कर लें। थैंक यू सो मच। ओके।